सब्सक्राइब करो शिमारू गुजराती चैनल ने। घर पे इतने स्वीट होता था, कितना अच्छा था। नहीं, मैं अभी मिसाल दे रहा था आपकी। नहीं, मिसाल तो दीजिए, लेकिन इतनी स्वीटनेस थोड़ी होती, थोड़ी खटास, थोड़ी स्पाइस, जैसे आपकी वेब सीरीज है वैसी। सो फाइनली मैं चाह रहा था मिस्टर डी शो पे कि पार्थिव एंड मानसी दोनों एक साथ मेरे शो पे आए एंड मैं आप लोगों से बातें करूं, बिकॉज मेरे शो का ये फॉर्मेट नहीं कि मैं हीरो हीरोइन को लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं रिलेशन भी बाहर आए, कहीं वो मिसालें भी बाहर आए जो जो लोगों ने देखी ही नहीं है, चाहे वो फादर डॉटर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो यू नो कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो। तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है आज आप दोनों को यहाँ पे देख के मेरे सामने। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमको भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जी। हमने काफी चीजें सुनी है इस शो के बारे में, तो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। अच्छा, ये शो की बातें आपने पार्थिव जी से सुनी है या फिर किसी और से? काफी लोगों से सुनी। अच्छा। बड़ा 1997 में सारेगामा पर रियलिटी शो जीतवा बाद सिंगिंग जर्नी शुरू थी, जो शो थी पार्थिव की, एंड आप उसी के सेट पे मानसी जी से मिले? उसी प्रोग्राम का जो गुजराती वर्जन था। अच्छा। गुजराती म्यूजिक शो जो हूँ होस्ट करता था, क्यारे मानसी एक पार्टिसिपेंट बनी आवेला। स्कूल में तो एकदम फ्रेशली मारो खत्म हो गई तुम्हारी स्कूल में 16 वर्ष, एक मारो वो नाटक में गीत छे के हूँ तो छोकरे मटीने आज थई गई छूं, हूँ तो छोकरे मटीने आज थई गई छूं। आमत गणाई गयो અને હું તો એકદમ સ્કૂલ અને પાર્થિવ ને મેં જોયું તો સોળ એકદમ ત્યારે ઓનલી ગુજરાતી બોય હું હેડ વન ઇટ આઈ ન્યુ પાર્થિવ जी। सो कोई चेंज होने के बाद लाइफ में आया? यस, आई थिंक आई हैव डन टेलीविजन, पीपल हैव अप्रिशिएटेड मी ऑल दिस इयर्स, एड्स किए हैं, पीपल नोटिस योर वर्क, दे कम अप टू यू, बट आफ्टर पूरी एक फिल्म, एक अच्छी फिल्म, अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे भी उसको रिसेप्शन मिला और सक्सेसफुल रही, इट वॉज अ वेल मेड फिल्म, मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया पीपल, आई काइंड ऑफ फेल दैट in the industry also people started noticing me. Vidya Balanji was sweet enough to message me saying Mansi, I was blown by your performance, Shweta Tripathi ne, so I felt really nice ki ek validation mila from within the industry, from seniors, yeah, from mainstream, from mainstream Bollywood, because Bollywood is Bollywood, aap jo bhi kahe unki feel alag hai, Bollywood ka alag hi ek zone. So we have next game. पहलो शब्द, मैं एक शब्द बोलूंगा उसको सोच की जब सबसे पहले जो भी दिमाग में आता है वो आपको बोलना है। वाइड, फ्री, एक्टिंग, पैशन, पार्टनर, एवरीथिंग, लाइफ, ब्लिस, लव, ओवररेटेड, फेक, एवरीबॉडी, जुगाड़ो, पार्टनर, पार्टनर, रेडी, यस, सिंगिंग, everything, first love, Mansi, liar, music, life, Mansi, best friend, Dhoni Gautam, flamboyant, किसी ने मुझे ये बना दिया, किसी ने मुझे डी से अटका दिया। ये राउंड तो बड़े अच्छे रहे आप दोनों के साथ मेरे। ओके, नाउ वी हैव हीलियम गैस बलून, आपको एक डायलॉग दिया जाएगा, जैसी गैस अंदर लेते हो तुरंत निकाल के फटाक से बोलना, बिकॉज़ 10 सेकंड के उसका असर खत्म हो जाएगा। अच्छा। जी से मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेंगे तो ठोक लूंगी इतना। वो थोड़ा सा गया लेकिन ठीक है। हाँ, वो आवाज चेंज हुई थी। हुई थी। जी जी, वी हैव वन मोर एंड देन पार्थिव भाई अब आप करेंगे। डायलॉग था कि सर, पहला तो मैं भी शरीफ हुआ था।
पहले तो बेबी शरीफ हुआ था आया कुछ आया वैसे इतना और कर सकते हो पहले तो बेबी शरीफ हुआ था वेरी नाइस वेरी नाइस बढ़िया अच्छा था नो डाउट सो वी आर इन रैपिड फायर राउंड अभी रेडी यस कौन खेलेगा पहले बकरा सचिन जिगर और विशाल शेखर सचिन जिगर मानसी एज अ सिंगर और एक्टर एक्टर तुमने आपेलू बेस्ट गिफ्ट बाय मानसी आईपॉड वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल विथ मानसी ऑडियो वीडियो नहीं मानसी ने एक खराब आदत तुम्हारा हिसाब से शूच है मानसी ने कहीं बात हम થઈ હોય ને અને હું જો ઘરે ના હોઉં આઈ મીન મુંબઈમાં ના હોઉં કે ઘરે ના હોઉં અને પહેલું આમ ફોન ઉપાડીને મને કેવું હોય કે નહીં તું જલ્દી સાંભળી લે હું મારા પેટમાં નથી રાખી શકું એમ અને હું કદાચ કોઈક એવી જગ્યા પર હોઉં કે જ્યાં હું લાંબી વાત ન કરી શકું ત્યાં પણ એ કે ના તું ગમે એ કામ કરતો એ મૂકી દે એટલે આઈ વુડ વિશ કે આ એક જરા ધીરજ રાખો પછી બહુ એવી થઈ જશે ને તને તું મિસ કરશે મારી ઉત્સુકતા એટલે તું કહેતો નથી આઈ લવ ઇટ રેડી કયું કાર્ટૂન કેરેક્ટર પાર્થિવને રિઝેમ્બલ કરશે ઓ ચંદા મામા ચંદા મામા ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું ઘટી રહ્યું છે આન્સર ઇન ટુ વર્ડ સ્ટ્રોંગ નેરેટિવ તમે ક્યારે પાર્થિવનું સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સ્ટોક કર્યું છે ના ના પાર્થિવ પાસેથી મોસ્ટ લેવિશ ગિફ્ટ અત્યાર સુધી મળી હોય એ ઓહો બહુ બધી છે બટ લાસ્ટ વોઝ અ ટ્રીપ ટુ લંડન ટુ સેલિબ્રેટ પાર્થિવ એઝ ઇન એઝ અ સિંગર ઓર એઝ અ હસબન્ડ એઝ અ હસબન્ડ એઝ અ હસબન્ડ સો સ્વીટ વન એડવાઇસ ટુ ધ્વનિ ગૌતમ ધ્વની ગૌતમ જી આપ નેક્સ્ટ ફિલ્મ બનાયેંગે તો હમકો યાદ કરિયેગા થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ મુજે સહી મેં બહુત મજા આયા ઇટ વોઝ વેરી ડિફરન્ટ એપિસોડ વેરી ડિફરન્ટ બાતેં આપ દોનો કે સાથ રાઇટ ફ્રોમ લવ ફેમિલી મેરેજ ઇન્ડસ્ટ્રી કામ ફન યા ફિર વો છોટી મોટી નોકઝોંક જો આંખો સે આંખો મેં આપને કી હૈ ઇટ વોઝ વેરી વેરી ફની ટાઈમ વિથ યુ સો મેરી ટેગલાઇન હૈ ગેટ ફની વિથ ધ્વની આર યુ In episode, मजा आया आपको? एकदम मजा आया और हमने कभी कभी publicly kiss नहीं की तो आज बस finally पार्थिव thank you so much D show पे मैंने पहली बार पार्थिव को kiss किया kiss attack